हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं हेल्प सीरीज यूट्यूब चैनल। आइए, इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि मोबाइल का डाटा बिना केबल और बिना सॉफ्टवेयर की मदद से कंप्यूटर या लैपटॉप में कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाए, वहाँ से एक्सजेंडर को इंस्टॉल कर लें। एक्सजेंडर जब इंस्टॉल हो जाए तब उसे ओपन करें। ओपन करने के बाद इस वाले सिंबल पर, उसके बाद पीसी या मैक या कंप्यूटर का जो सिंबल बना हुआ है उस पर क्लिक करें। उसके बाद क्रिएट हॉटस्पॉट पर क्लिक करें, अलाउ पर क्लिक करें। अलाउ पर क्लिक करने के साथ आपका हॉटस्पॉट मोबाइल का ऑन हो जाता है। उसके बाद कंप्यूटर के टावर वाले आइकन पर क्लिक करें और अब वहाँ आपका मोबाइल का हॉटस्पॉट दिखाई देगा। वहाँ से अपने लैपटॉप को कनेक्ट करें। कनेक्ट करने के बाद जैसे कि आपको हम दिखा रहे हैं अपने कंप्यूटर में करके, जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ देख रहे हैं नीचे यहाँ पे मेरा मोबाइल का हॉटस्पॉट आ रहा है। इस पर क्लिक करके इसे कनेक्ट करेंगे। जब यह कनेक्टेड शो कर देगा तब आपके मोबाइल में एक मैसेज आएगा। मैसेज आने के बाद उसे अलाउ पर क्लिक कर दें, एक्सेप्ट के पर क्लिक कर दें, एक्सेप्ट या अलाउ जो भी लिखा रहे उस पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपका मोबाइल का पिक्चर आपके डेस्कटॉप पर आ जाता है, कंप्यूटर के स्क्रीन पर आ जाता है। यदि आप मोबाइल का फ़ोटो लेना चाहें तो आप मेरा स्क्रीन को देखिए, ऐसा स्क्रीन आपका शो हो जाएगा कनेक्ट होने के बाद। यदि आप फ़ोटो लेना चाहें तो इस पर क्लिक करें, आपका मोबाइल का जो भी फ़ोटो है यहाँ दिखाई देने लगता है। यदि इसे डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ डाउनलोड बटन पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ डाउनलोड हो गया है। यदि इस फ़ोटो को डाउनलोड करना चाहें तो इस फ़ोटो पर क्लिक कर दें। यदि हम मोबाइल का वीडियो को डाउनलोड करना चाहे तो सारा वीडियो हमारे स्क्रीन पर आ जाता है। जिसको डाउनलोड करना चाहते हैं उस पर क्लिक करके वो तुरंत डाउनलोड हो जाता है। यदि म्यूजिक को डाउनलोड करना चाहे तो म्यूजिक जो यहाँ सारा मोबाइल में है सो यहाँ शो हो जाता है। जिस पर डाउनलोड करना चाहे यहाँ डाउनलोड वाला बटन पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने जाना कि किस तरह हम अपने मोबाइल को डाटा को अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में किस तरह ट्रांसफ़र करते हैं बिना डाटा केबल की सहायता से। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें तथा कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।